Hi, I'm Alice Kaushik. Hi, this is Kamar Dhillon. And you're watching E-Times TV. तो वो जो मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर का जो वो पेमेंट है, दैट नंबर इज एलिसिस गिफ्ट टू मी. हम इंस्टेंट दोस्त भी नहीं बने. आई वुडंट से दैट वी वरंट फ्रेंड्स इंस्टेंटली. आई थिंक इनफैक्ट शी वाज क्लोजर टू अदर पीपल मोर देन मी ऑन सेट. एक ही तोहफा दिया है खुदा ने, हंसी मजाक करो. आई थिंक वॉट आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर अबाउट हिम एज एन एक्टर इज दैट ही इज वेरी 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 पैशनेट अबाउट ईच एंड एवरी सीन, बी इट कोई बहुत छोटा सा या कोई बहुत बड़ा सीन. ही इज जस्ट इक्वली हार्ड वर्किंग, ही गिव्स इट हिज ऑल. सो या About Alice, I feel Alice is always very open to learning as an actor. मतलब अगर उससे, जैसे कई एक्टर्स होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होगा तो वो कवर अप करेंगे दिखाने के लिए कि उनको पता है. ये ऐसे ही है ना, इसको नहीं पता है तो ये दिखा देगी, हाँ मुझे नहीं पता है बता दो. सो शी इज आई थिंक शी लाइक्स टू इवॉल्व विथ एवरी सीन एंड आई हैव सीन हर ग्रो इन दिस शो. एलिस में फर्स्ट एपिसोड देखो और अब देखो तो जमीन आसमान का फर्क है. सो शी इज ग्रोन अ लॉट एज एन एक्टर. एंड ये तो मैंने पहले भी बोला है, एलिस फॉर मी इज आई थिंक माई बेस्ट को-स्टार टिल डेट. तो और वो निखर के स्क्रीन पे दिखता है और तभी लोग इतना प्यार देते हैं. सो या आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर. अच्छा इवॉल्व किया एलिस ने एज अ परफॉर्मर. नो बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि उसके पिछले नहीं, आई डोंट थिंक अबाउट की एक्सपेक्टेशंस मेरी. नहीं, आई डोंट हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन. आई एम जस्ट माइसेल्फ. मी आई थिंक एक फ्री फ्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पर्सनल कंफर्ट वन माइट हैव विद ईच अदर. आई थिंक इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिस और मैं जब फर्स्ट डे से, लुक टेस्ट के दिन से जब शुरू हुए थे और फर्स्ट शॉट से हमारे, आई थिंक एक सर्टन कम्फर्ट शेयर किया है हमने. और ऑफकोर्स अब we are some close to over 350 episodes already post sleep, and I think ab tak to ek alag hi comfort ho jata hai logo ka. Yeah, so I don't really expect him to think of me as his best co-actor. He just does. Yeah. But Alice aisa nahi manti ki main hu uska, to which is fine. नहीं नहीं ठीक है, कवर भी मेरा बेस्ट. नहीं ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. गली वाला सीन ना? हाँ, गली वाला सीन किया था. एंड आई वाज शफलिंग बिटवीन बोथ द यूनिट्स और मुझे ना एकदम ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट मिल रही थी एंड वेरी ईच सीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. तो सीधा मैं चल रही हूँ सेट की तरफ जहाँ पे कवर है हमारा पहला मिर्ची बाइक वाला सीन होने वाला है, और तभी मुझे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट मिली. सो आई एम जस्ट नॉट रियली इवन लुकिंग एट हिम मच, आई एम जस्ट डूइंग माय लाइंस 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 लाइंस. या एंड इज आई थिंक एलिस ना, जब पूरी कास्टिंग हो गई थी पोस्ट लीप की, एलिस सबसे लास्ट ऑन बोर्ड आई थी बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी विद द वन हु वाज लॉक्ड. एंड एलिस लिटरली आई थिंक टेलीकास्ट के दो दिन पहले एलिस लॉक हुई थी और हमें टेलीकास्ट करना नहीं, था. मैंने टेलीकास्ट के दो दिन पहले मॉक किया और उसके नेक्स्ट डे शूट किया. हाँ, सो इट वॉज वेरी कट टू कट विद एलिस. और हमारे जो सीन हुए थे, जो मिर्ची वाला सीन था, जो हमारा ओपनिंग था जहाँ मैं बाइक से गिरता हूँ मिर्चियाँ उड़ती हैं, वो हमारा ओपनिंग सीन था और वो हमने जलती हुई मिर्चियों के बीच शूट किया था. ओह, इट वाज सो डिफिकल्ट. बट यू नो, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन आई थिंक. मतलब टॉर्चरिंग सीन था वो, बिकॉज़ आपके बॉडी पे मिर्ची लग रही है, आपकी आंखों में मिर्ची जा रही है. यार रियल मिर्ची, लाल लाल मिर्च. से बार-बार बाइक जा रही है तो वो और पिसके, फैन चल रहा है तो हवा में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. टूट रही थी ना, लोग चल वल रहे थे तो उसकी जो बीज एक बार निकल जाती है फिर तो वो हवा में ही उड़ती है. तो आई थिंक वो घर जाके निकली थी मिर्ची के अंदर है तो. बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि वो आज तक सबसे मेमोरेबल मोमेंट है फैंस के हिसाब से हमारा. Adore.
क्या सोचती है अरे नहीं मतलब कुछ चीजें हैं तो मैं उसमें से एक सोच रही हूँ. नहीं चलो मैं अडोर वाला बता देती हूँ. मैंने इतना सोच लिया तो इसकी ना एक आदत है फिर करके दिखाना पड़ेगा. कब बता तो ये जब वो लड़कियों की एक्टिंग करता है ना तो बहुत प्यारा लगता है. और ये बहुत हर एक लड़के के साथ जाके ऐसे ऐसे करता है. जैसे मैं अभी जुनाद उनके पास ऐसे जाके ना उसको ऐसे ऐसे कर रहा था. सो व्हिच इज वेरी क्यूट. या सो आई कीप डूइंग ऑल दिस ऑन सेट. या एलिस और एलिस तो या मेरी सहेली. अभी सीन करते टाइम हम सबके क्लोज थे तो मैं तो एक्सप्रेशन फेस पे रखते हुए हाथ पैर करके सबको डिस्ट्रैक्ट करता रहता हूँ. तो अभी जस्ट मैं अभी करके आया. मैंने अभी जनार्दन के बम पे दो पंच मारे और जनार्दन का क्लोज चालू था और मेरा क्लोज यहाँ चालू था. उन्होंने फाइट करके दो पंच मारे. तो आई अच्छा लगता है मुझे ऐसे मस्ती करना सेट पे. वन क्वालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग दैट एलिस हैज इज दैट शी इज वेरी गिविंग. बहुत एलिस इतनी सेंसिटिव है ना कि उसको मतलब कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि सुन मतलब आजू बाजू अगर किसी को देखना एलिस बहुत जल्दी तरस खा लेती है और बहुत जल्दी वो ऐसे ऐसे रहती है. ओ माय गॉड मैं बोलता हूँ कि हमेशा इट्स नॉट ऑलवेज हाउ यू सी द वर्ल्ड इज नॉट ऑलवेज सो गुड एंड ऑलवेज सो प्योर दैट. तो वो एलिस बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही सीधी है दिल की. हाँ शी इज़ वेरी नाइव बट आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑल्सो बट दैट्स अ बैड क्वालिटी इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो. बट ठीक है मतलब आई अडोर दैट ऑल्सो बट दैट ऑल्सो मेक्स मी फील वेरी प्रोडक्टिव अबाउट हर दैट वन क्वालिटी. तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया भी था पर मैंने सोचा और थोड़े सोच लूँ. बट वो जो कावड़ वाला सीन किया था ना हमने जब हम फाइनली एक दूसरे को बहुत सारा सुनाते हैं मैं इसको थप्पड़ मारती हूँ और ये बाइक चलाता है बारिश वाला. आई थिंक या इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल. मैं बाइक को आग लगाता हूँ. या नहीं नहीं मोहल्ले में किया था जहाँ इट वाज अ मंदिर सीक्वेंस. या 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 Yeah. Yeah, and I think for me also, I think that'll be one of the nicest scenes of Alice kabhi ek performance. We just forgot Ravi everything. Ravi ka change tha ek thoda usme. We gave it our all. Yeah, I think that was a good scene for Ravi also. Organically happened, but initially cover always made sure that you know I'm comfortable with everything. Yeah, I always have a habit of. Like she was new to me, so are you fine? Are you comfortable? Is this okay? Are you fine with that? So it's always so. How about important. We do it like this and all? Because मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मेरे आजू बाजू पिछले shows में या ऐसे कहीं और चलना पिछले shows में ऐसे मतलब नाम थोड़ी ना ले रहा हूँ but ऐसे पिछले shows में मैंने देखा है कि you know there are certain actors who just don't ask the other actors कि भाई आप comfortable हो अगर मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ या मैं आपको ऐसे पकड़ रहा हूँ या अगर मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप जब रिहर्स कर रहे हो आप बता दो मैं ऐसे ऐसे करूंगा आप कंफर्टेबल हो ताकि आप टेक में किसी को झटका ना दे दो कि भाई तूने क्या किया. एंड व्हिच फॉर मी इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट कवर. यही मैं देख एक रिस्पेक्ट. नो इम्पैक्ट कभी नहीं होता लेकिन हमें पैरेलल्स काफी मिलते हैं. जैसे शिवा रावी का एक जो नोक प्यारी मस्ती नोकझोंक वाला बॉन्ड है वो हमारा हमेशा से इट्स बीन लाइक दैट ओनली टॉम एंड जेरी. फिर लाइक यू नो या इवन इन रियल लाइफ. एंड देन शिवा रावी एक दूसरे के कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम जैसे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. सो दैट ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से विच आई हैव सेड बिफोर लाइक यू नो हाउ शिवा इज रावी से कितना भी गुस्सा हो कितना भी झगड़ा हो गया हो रावी से लेकिन उसके बाद भी व्हेनेवर रावी इज इन नीड रावी को किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए बिना कुछ बोले बिना कुछ करे ही इज़ जस्ट ऑलवेज देयर एंड ही बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प. तो कवर के मेरे बीच में कितना भी कुछ भी हो गया हो या फिर लाइक यू नो कुछ भी झगड़ा वगड़ा जो छोटे मोटे चलते रहते हैं व्हेनेवर ही सीज दैट आई एम इन नीड एंड आई नीड हिज हेल्प ही इज ऑलवेज द फर्स्ट वन. आई ऑलवेज विल बी. या या ये अभी फैन मोमेंट मिल गया. किड इज गॉड ब्लेस देम नो नजर ब्लू टिका. और एक और पैरेलल बाइक राइड्स. या बाइक राइड्स मेरे साथ रोज पैकअप के साथ ही एरिस है.
I don't Shiva Ravi ki bike rides bahut hoti hai na, waisi cover Alice ki bhi bike rides. In fact, Alice was a part of my mera sapna pura kiya, maine bike delivery li, Ravi was there. And Alice bhi thi. Aur koi matlab main industry circle mein kabhi itna kisi ko involved nahi rakhta, but Alice ke zyada ek mera bahut alag, she's family. See, I'll tell you. I don't think that किसी के भी सामने कोई भी टैग देने से कुछ भी चेंज हो जाएगा. Like you know, whatever we share. अगर आपको खुद हम तो या like हम तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में एक्सप्रेस करते हैं what he is to me, what I am to him. So उससे ज़्यादा क्या किया? यार मतलब अपने मुंह वावाई करने का जब टाइम आएगा ना किसी चीज़ का, जब ऐसी कोई नीड लगेगी या जब ऐसा कुछ मन करेगा तो वो भी कर लेंगे. बट टिल देन आंसरेबल टू हु एंड व्हाई, यू नो, आई थिंक वी बोथ आर वेरी प्राइवेट पीपल दैट वे, एंड आई थिंक वी'd लाइक टू कीप इट दैट वे. व्हेन आई थिंक द टाइम इज राइट टू टॉक अबाउट समथिंग और गिव समथिंग अ टैग फॉर द वर्ल्ड टू नो, आई थिंक दैट विल हैपन. बट टिल नाउ जस्ट लिव एंड लेट लिव. यार प्यारी है बहुत एलिस, मतलब बहुत प्यारी लड़की है. जैसे जैसे आई कैन ऑल्सो बी अ सर्टन वे विद पीपल इफ आई हैव टू बी, रह चुका हूँ मैं पास में भी. इफ आई डोंट लाइक समवन, आई जस्ट डोंट लाइक समवन, भले वो को एक्टर भी क्यों ना हो. बट एलिस का ऐसा ना, ऐसे नाराज़ ही नहीं हो सकते आप. मतलब ये फर्स्ट डे जब से आई ना, हम इंस्टेंट दोस्त भी नहीं बने. आई वुडंट से दैट वी वरंट फ्रेंड्स इंस्टेंटली. आई थिंक इनफैक्ट शी वॉज क्लोजर टू अदर पीपल मोर देन मी ऑन सेट. इट वॉज वेरी ग्रेजुअली दैट आवर फ्रेंडशिप डेवलप्ड एंड वी स्टार्टेड टू नो ईच अदर. Because she had her own reservations, I had my own reservations, and मैं वैसे भी ज़्यादा दोस्त बन रहा था न्यू इंडस्ट्री में, तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आते कई लोग. तो आई थिंक एलिस कहीं ना कहीं मेरे जैसी है कि वो बहुत नॉन इंडस्ट्री है. बाई नॉन इंडस्ट्री आई मीन ऐसा नहीं कि आप जस्ट बिकॉज एक शो कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर वे लोगों के साथ बिहेव करो बिकॉज आपको उनके साथ काम करना है. आई डोंट बिलीव इन दैट. लाइक काम करना, मैं किसी को अनकम्फर्टेबल फील तो वैसे भी नहीं कराऊंगा, बट मैं बस मुँह पर दिखाने के लिए किसी से स्वीट नहीं रह सकता. If I like you, you'll know. If I don't like you, you'll know. So I think I can't pretend, and I think that's a problem with me also. But yeah. I just can't pretend. So that we share. Yeah, that we share. So I think एक वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ यार चलो कोई तो same wavelength वाली grounded लड़की है. So you know आधी tension हट जाती है वहाँ पे. You know that two people will be honest to each other. पीछे से कुछ back bitching नहीं होगी. Yeah. So yeah, so that way I think our friendship grew that way. Cover. मैंने कुछ दिन पहले मेरी एक check shirt लटकी हुई थी यहाँ पे, और एलिस को मैंने वो शर्ट उल्टी पहना दी और पीछे से बटन्स लगा दिए. हाँ, और ये मेरे पास वीडियो भी है, मैंने सिर्फ अपलोड नहीं किया बिकॉज़ ये मेरा ही दुपट्टा लेके मेरे ही हाथ बांध के मुझे ऐसे 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 मार के चला गया. फिर एक दिन हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे तो मेरे मुंह पे वो पट्टी बांध दी मेरे हाथ पकड़ के. सो या तो मैं ये सब करता रहता हूं, इसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता सेट पे. सो खाना डाइजेस्ट नहीं होता. हां है मेरे में ये कीड़े ना थोड़े बचपन से हैं, तो आई कांट. भुक्कड़ तो दोनों ही है, पर मेरी एपेटाइट कम है. और हाँ या दोनों ही है. मैं इसको ऐसे बच्चे की तरह लेके क्या कवर? 5 मिनट में रेडी होता हूँ मैं. कवर मुझे सिर्फ निकलने के रेडी जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके जो बाल बनाना मुझे सिर्फ निकलने के टाइम पैकअप के बाद टाइम लगता है, क्योंकि मैं दो बैग लाता हूँ. एक मेरा शूट बैग होता है. सेट पे शी इज आस्किंग सेट पे जाने के लिए रेडी होने के लिए आई विल डू माय टच अप लाइक दिस लिपस्टिक ब्लश आई एम डन. कवर विल कीप गोइंग ऑन. हां ऑन सेट. और वो भी उसका बाल बनाने का तरीका है. पकड़ लोग लड़के ऐसे ऐसे बाल बनाते ना, वो पूरा ऐसे. अरे क्योंकि क्या है, ये जो छपरा है ना ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसकी बाउंस नहीं आती, मुझे करना ही पड़ता है. लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड वाज आल्सो टेलिंग मी स्कूल टाइम पे भी. हां मैं ऐसे ही करता हूं साइकिल के मिरर में. या आई एम ऑब्सेस्ड विद माय हेयर. बट यू नो द प्रॉब्लम
ईयर ना इस सेट पे, जैसे अभी ऑफ लेट बहुत गर्मी है तो जब हम सीन करते हैं पसीना इतना होता है ना, सिंस मेरे ये बाल मैं शो में फोरहेड पे रखता हूँ वो चिपक जाते हैं, तो मुझे फिर वो ऐसे ऐसे करके वापस करने पड़ते हैं, सो थोड़ा टाइम लगता है मुझे उसमें. कवर दीप डिलन. मुझे कब किसने कहां सांस लेके क्या छोड़ा है मेरे बारे में, मुझे सब पता है. या मेरे सब जगह खबरी है, आप टेंशन मत. इसके बारे में, सबके बारे में, नॉट जस्ट दिस सेट, एवरी सेट. उसको ये भी पता है वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये किसकी गाड़ी है, वो किसकी गाड़ी है, उसने उस दिन जिम में क्या किया, मुझे सब पता है. मैं कुछ ब्रॉडकास्ट नहीं करता, मुझे सब पता है. सब उनको भी नहीं पता होगा कि इसको, उनको भी नहीं पता होगा कि मुझे क्या क्या पता है, पर मुझे सब पता है. मैं टीवी इंडस्ट्री की करीना कपूर हूँ, मुझे सब पता है. वो कवर क्या करता है ना, कभी कभी मेरे आसपास कोई बहुत जोर से बोलता है ना तो मैं बिल्कुल ऐसी हो जाती हूँ, और वो कभी कभी ध्यान नहीं देता कि क्या बोल रहा है, मैं आसपास हूँ. अरे सर वो क्या बोल रहे थे, अरे स्पॉट डाल. हाँ एलिस सॉरी, वो साउंड को लेके सेंसिटिव है, हो जाती हूँ पूरी. हाँ वो अननोइंगली, बट या ही डजंट रियलाइज, बट ही डज इट, एंड बाय द टाइम आई टेल हिम कवर, आई ऑलरेडी प्रॉब्लम है ना, अब आवाज ही ऐसी है. अब सर अगर वहां बैठे हैं, सर क्या कर, तो एलिस हो जाती है, तो दिल्ली है ना. ये जगह नहीं मेरे पास. हाँ तो वो पापा भी जब बोलते हैं तब हम मम्मी भी घर पे, हाँ आराम से बोलो क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी अननोइंग. एलिस नाराज होती है ना, उसको बहुत टाइम लगता है मनाने में. मतलब वो एलिस ना, मतलब वो लाड़ प्यार वाली लड़कियां होती है ना, एकदम की बुरा मान गई तो मतलब मान गई, मानूंगी तो अपने पेस पे, एलिस की मानूंगी तो प्यार से. हाँ तो वो एलिस की एक बुरी आदत है कि वो अननोइंग पूछा था. हाँ, annoying, तो annoying. थोड़ी कभी कभी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत इजीली वो टिक ऑफ हो जाती है, फिर उसको ऐसे पता है एलिस ऐसे नहीं था, मेरा मतलब ऐसे था, तो कभी कभी ऐसे अनोय हो जाती है, बट इन अ क्यूट वे. वही तो बोला, यही होती है हर छोटी चीज में, मेरे को पता भी नहीं चलता कौन सी चीज में नाराज होती है, नाराज हो जाती है. छोटी चीज में नहीं होती मतलब बड़ी चीज में. चलो शर्म ही नहीं है. क्या झूठ बोलूं, खुद ही बोलती है, खुद ही बोल रही है हर छोटी चीज में नहीं होती, फिर बोलती है हाँ वही मनाता है. हाँ तो अब जो नाराज होता है जिन जिन चीजों में होता है कोई, अभी मैं क्या बोलूं, हाँ मैं नाराज होती पर मैं खुद को मना लेती हूँ. सॉरी मैं बताती हूँ, मैं ना कितनी भी नाराज हो जाऊँ फिर ये आराम से बात करेगा, और अगर मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ और मुझे मानना ना होना, बट ही स्टिल हैज दिस मैन कैन मेक मी लाफ इवन इन माय स्लीप. फिर ये कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, मैं पूरी जान लगा दूंगी कि नहीं मानूंगी, नहीं हंसूंगी, नाराज रहूंगी, बट आई कांट हेल्प बट लाफ. सो या ये की तोहफा दिया है खुदा ने, हंसी मजाक करो. तो ना मेरा यूनिवर्स मेरा और यूनिवर्स का बहुत चलता है, गिव एंड टेक. ए मैं यूनिवर्स नहीं हूँ. हाँ, मैंने क्या दिया है? हाँ बता रही हूँ. हाँ, बता रही हूँ. या आई एम कमिंग टू द पॉइंट व्हाई इट्स स्पेशल. ओके तो ना मैं यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती रहती हूँ कि आप ये ले लो मुझे ये दे दो, ये ले लो ये नहीं करूँगी, मेरे लिए ये कर देना टाइप्स. सो यू नो 3-4 years back, I wanted something desperately from universe, and I told the universe mera ek hi favorite perfume in life mein, theek hai, jisme main apni jaan chhidakti hu. So I told universe, okay, you give me this, you keep it like this, I will give up on my favorite perfume ever. And at that point, I was like, अगर वो परफ्यूम यूज नहीं किया तो मुझे कोई और परफ्यूम यूज नहीं करना है. परफ्यूम है वो? फिर मैंने सोचा रही तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब बोल भी दिया तो लूप होल क्रिएट करना पड़ेगा. देन आई टोल्ड यूनिवर्स, मैं बोल रहा हूँ ना एलिस इन वंडरलैंड है अभी भी बहुत चीजों में. तो फिर मैंने लूप होल क्रिएट किया और बोला यूनिवर्स को कि अगर कोई गिफ्ट कर देगा तो मैं ले लूंगी. एंड देन आई डिडंट यूज इट,
कवर ने इनफैक्ट बहुत ट्राई भी किया कि मैं यूज कर लूँ, मैं खुद पे स्प्रे कर लूँ, लेकिन मैंने होने नहीं दिया ऐसा, एंड देन ही गिफ्टेड इट टू मी ऑन माय बर्थडे. वन सेक, होने नहीं दिया नहीं, इसी मेकअप रूम में मैंने तेरे ऊपर स्प्रे कर दिया एक दिन, और उस दिन एलिस मुझसे नाराज हो गई. आई रन आउट ऑफ द रूम. और उस दिन एलिस मुझसे नाराज हो गई, मैंने बोला देख अब तो मैंने स्प्रे कर दिया, अब क्या बुरा होगा तेरे साथ. उस दिन इसने बात नहीं की थी मुझसे, फिर अगले दिन मान गई. हां, बट देन ही गिफ्टेड इट टू मी ऑन माय बर्थडे, सो दैट वाज रियली स्पेशल. देन शी इज यूजिंग इट टिल नाउ. या Which perfume is that? Aqua Armani Giorgio. Oh my god. You know what to gift. I think जब मैं बाइक ले रहा था ना, तो मैं अपने नंबर्स चेक कर रहा था, मुझे क्या नंबर लेना है. थोड़ा VIP-ish number. I wanted मैं बताऊं. Okay. हाँ, तो नंबर चेक कर रहा था. मैं नंबर चेक कर रहा था, सब कर रहा था, और मैं एलिस को बता रहा देख ऐसे नंबर होता है, ऐसे इस नंबर का प्राइस ये होता है, ब्ला ब्ला ब्ला. और ये तभी और ये तभी सोच रही थी कि मैं इसको बर्थडे गिफ्ट क्या दूँ, मैं बर्थडे गिफ्ट क्या दूँ, मैं तुझे क्या दूँ, यू आर बाइंग अ बाइक, आई डोंट नो व्हाट टू गिव यू, आई वांट टू गिव यू समथिंग रिलेटेड टू द बाइक. तो ये बहुत कम लोग को पता है कि जो मेरी बाइक का नंबर है उसकी जब मैं पेमेंट कर रहा था, वो एलिस ने मुझे नहीं करने दी, वो पेमेंट एलिस ने की, और एलिस ने बोला दैट्स योर बर्थडे गिफ्ट. सो वो जो मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर का जो वो पेमेंट है, दैट नंबर इज एलिस गिफ्ट टू मी. सो एलिस गिफ्टेड मी दैट ऑन माय बर्थडे, व्हिच इज वेरी स्पेशल. ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप हमें कितना प्यार देते हो, क्योंकि कभी कभी मुझे भी नहीं समझ आता लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ से इतना प्यार आ रहा है और कैसे आ रहा है और अब कैसे आ रहा है. मतलब मैं सच्ची स्वेयर ऑन गॉड, मेरे करियर की कसम, मैं मतलब ये चीज जितना प्यार ये हमें ऑर्गेनिकली देते हैं ना, आई एम टेलिंग यू पीपल पे शिट लोड्स ऑफ मनी फॉर ऑल दिस, फॉर ऑल द ट्रेंड्स एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स. एंड आई एम टेलिंग यू अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस इंडस्ट्री, जो जैसे कि मैंने बोला कि मैं इस इंडस्ट्री का रणबीर और करीना कपूर मुझे सब, तो लोगों को ऐसे लगता है कि हम ट्रेंड करवाते हैं, हम पे करके सब कराते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. नो बॉस, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे वर्क करती है, बट मैं खुद को ट्रेंड करा सकता हूँ. मैं अपने मॉम के बर्थडे पे, अपने भाई के बर्थडे पे, अपने डैडी के बर्थडे पे, सबको वो सबको ट्रेंड करते हैं. एंड मतलब ऐसे लगता है ना कि दे आर अ पार्ट ऑफ आर पर्सनल लाइफ सेलिब्रेशंस एज वेल, एंड दैट इज वेरी स्पेशल. और कुछ भी होता है, लाइक there was this time I shifted and they thought I bought a house, they sent her gifts and I got, so I was like okay I have to clarify this, I didn't buy a house. Then I confirmed with them that you know I just shifted somewhere, so but you know their blessings, okay you're really gonna very soon you're gonna buy a house, and they still were sending gifts. And you know main ye ek cheez bolunga, kyunki maine wo is show se wo gear shift hota hua feel kiya hai, fans ka pyar aur jis tarah cheeze receive hoti hain. मेरे 9 साल, अब ये मेरा 10th ईयर, हाँ 10th 10 साल हो गए, तो अब ये 10th ईयर है. और आई थिंक पिछले 9 साल में भी मैंने बर्थडेज बनाए हैं, पिछले 9 साल में भी मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, बहुत काम किया है. बट जिस तरह का प्यार मुझे पंड्या स्टोर के बाद मिल रहा है ना, आई थिंक इट्स वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो. आई वॉजेंट यूज टू सो मेनी गिफ्ट्स कमिंग होम एवरी डे एंड देन नॉट हैविंग स्पेस इन माई हाउस ऑन माई बर्थडे. And you know, those kind of things, and it's really new to me. I wasn't used to getting any gifts from any man. And you know, a lot of people think a lot of things about the number of fans and the number of fan clubs, and wo jis tarah se achanak kisi ne kuch galat bol diya to chad jate hain. To har ek ka perceive karne ka tarika bahut, perception bahut alag hai logon ka. They're very protective of us, and the VMs that they keep making every single day, putting so much effort, my god, it's just something else. So, you know, pehle, and they genuinely pray for us. पहले तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि साला हम कराते हैं, या किसी को लग रहा है कि ओ ये पेड़ है, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर हमको लगा यार किसको क्या जस्टिफिकेशन देनी है, जिसको जो सोचना है सोचे. वी आर ब्लेस्ड, लेट्स काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड लिव आवर लाइफ यार, बिकॉज आई वुड लाइक टू से इट ऑन रिकॉर्ड, नॉट एवरी वन इज सो इंस्टेंटिवली ब्लेस्ड विद सो मच ऑफ लव फ्रॉम फैंस. एंड इतना अगर मिल रहा है तो भाई कुछ तो सही कर रहे होंगे हम लाइफ में. So thank you so much, and aap sab hamari motivation hai, and definitely you know har sequence ke baad hame lagta hai yaar fans ko ye wala sequence, jaise parso wala sequence tha jahan main ro raha hu, apne purane kitabe wagera phek raha hu, fir Ravi aati hai round trolley pe, pura man aati hai ki tu padhai karega. We knew it that it'll hit a chord with you, and then I got to know yesterday from another news portal that I was trending. Then I looked up on the internet and I was like, oh, कुछ फिनोमिनल कवर डिलन करके कुछ इन्होंने ट्रेंड किया. सो ये सब चीजें थोड़ा पुश करती हैं कि आप, अरे यार अगली बार तो मैं साला और इतना अच्छा करूंगा. या दे लाइक यू नो मोटिवेट अस टू वर्क हार्डर, एंड आई विल जस्ट से दैट दे आर आवर ट्रू रिवॉर्ड. या उनका प्यार अलग ही है, यू कांट कंपीट विद दैट.
या मतलब इस शो में मुझे नहीं लगता कि मुझे पीआर की जरूरत पड़ेगी. हाँ एक्चुअली पिछले शोज में पीआर रख के मेरा इतना फायदा कभी नहीं हुआ एक्चुअली. On his birthday. My mother was standing on her. Yeah. Happy birthday, Radha Dhillon. Happy birthday, Deep Dhillon. Yeah, and they were trending top 10, top 15 all over India, and I didn't even know about it. So, आधी बार तो पता ही नहीं होता. मेरा भाई थोड़ा social media का कीड़ा है. He's a mediator between the fans and me. So, वो update देता रहता है मुझे तो. मुझे updates मिलते हैं. But it's really sweet of them, यार. I mean, they just do it unconditionally because उनको भी पता होता है कि हर बार personally reply will not be able possible to, नहीं होता. या उन्हें भी नहीं पता कि हम तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा. Repost कर पाएंगे, देख भी पाएंगे कि नहीं, which is but which happens. करते हैं, kill भी हो जाता है, but फिर भी इतना unconditionally हर बार करते हैं. So that's very touching. Yeah. And that's what पैसे खर्चे मत करो यार हमें कुछ भेजने करने में. Please don't send expensive yeah, just, gifts just, and everything. Just pray for us, send us cake blessings. बहुत हो गए cakes, cakes. ये तो cake. Okay, this is a message from his mother. केक्स बहुत हो गए कि फ्रिज में जगह नहीं होती, अब बंद करो. हाँ केक्स क्या खिलाने पड़ते हैं पूरे एरिया में, हर बिल्डिंग के वॉचमैन को रोज रात को ड्यूटी लग जाती है तेरे केक पर भेजो. सो या थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड वी होप आपको आने वाले सीन्स और आने वाले एपिसोड्स होप कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं. आगे बहुत अच्छा ट्रैक आ रहा है जो कि थोड़े टाइम पहले प्लान था बट हुआ नहीं. अच्छा हाँ मतलब क्योंकि अदर थिंग्स केम, शिवा रावी की शादी आ गई पहले. अच्छा तो ये ट्रैक बहुत अच्छा होगा. आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज देगा लोगों को कि एक औरत, एक पत्नी भी अपने पति को बढ़ावा दे सकती है पढ़ाई करने के लिए और सपने पूरे. Can motivate him to study while she is working. या वो टिपिकलिटी लोगों के माइंडसेट से हटा के कि एक औरत को ही हमेशा आदमी पुश करता है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज इस शो के माध्यम से जो जाएगा. माध्यम थ्रू द शो कि यू नो पत्नी या एक वाइफ जो पति से ज्यादा क्वालिफाइड है वो पति को पुश कर रही है कि भाई तू पढ़ाई कर, दुकान वुकान मैं संभालूंगी, गो फुलफिल योर ड्रीम्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड मैसेज. इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. आई जस्ट होप इट कनेक्ट्स द डॉट्स वेल एंड इट हिट्स राइट कॉर्ड ऑडियंसेस के.